हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगी। आज हम लोग दिया जलाने आ रही है और देखिए ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आ रही हूँ आज। और अभी बहुत ही मौसम अच्छा हो रखा है, ठंड थोड़ा थोड़ा ऐसे हवा चल रही है और धूप तो नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ है भाभी, हाय बोल दो। हेलो। यहाँ है चाची, चाची को तो पता ही है, रोज देखते हैं। दुर्जय उधर देखो, हाय बोल दो। हम लोग आ रहे हैं पैदल पैदल। बेबी पापा के साथ गई है, ये भाभी का बेटा भी गया और मेरा भी। बच्चे तो पैदल चल नहीं सकेगा इसलिए स्कूटी में भेज दिया। और यहाँ भी पूजा हो रहा है, दिखाती हूँ। जब शाम को पूजा देखने आएगा ना तब आप अच्छे से दिखाएंगे। अभी बस दिया जलाने के लिए ही आई हूँ हम लोग। अभी बसते हुए सुनाना तो ऐसा पूजा पूजा लग रहा है, घर में रहने से बिल्कुल भी नहीं लगता है कि अभी पूजा है ऐसा। अभी पहुंच गए आठ नंबर। हम लोग आठ नंबर में ही दिया जलाएंगे, शाम को जाएंगे घूमने धूम धूमा। पहले तो मैं बोल रही थी गर्मी नहीं लग रही है, आप देखो पैदल चल चल के आया तो बहुत गर्मी लग रही है। बाल बांध लिया ऐसे बिना मिरर देखे ही। आज ना हमको सब घूर घूर के देखने वाले, क्योंकि हम लोग का ऐसा ट्रेडिशनल ड्रेस रोज देखने के लिए नहीं मिलता। और अब हम लोग मंडप में पहुंचने वाले हैं। जो स्कूटी में गई हुई है वो लोग तो कब का पहुंच गई होंगी। हम लोग को वहाँ रुक रही होंगी, कब आएंगी ये लोग, कब आएंगी, कुछ बोल दो। हाँ ऐसे कोई कोई तो दिया जला कर भी वापस आ गया। ये देखिए थोड़ा सा देख रहे हैं ना, वो है मंडप। ये देखो वहाँ है कंचन और पीहू। और ये है यहाँ का दुर्गा पूजा का मंडप। चलो हाँ, तेरा ही बेटी है ये। पापा कहाँ गए? ये देखो यहाँ है। मंडप में जाके पीहू उसका दीदी से मिलके बहुत खुश हो गई, बस उसका हाथ पकड़ के ऐसे चल रही थी। देखो यहाँ मैं करे करे देख रही थी मैं कहाँ दिया जलाऊं। और यहाँ भाभी भी था तो भाभी को मैं बोली चलो बीच में दिया जलाते हैं। और बीच में थोड़ा सा ही जगह था तो भाभी साइड में दिया जला लिया। मैं यहाँ चाची के पास आके मैं दिया जला लिया बीच में ही। और बार बार मैं पीछे मुड़कर देख रही हूँ कि बेबी कहाँ है ऐसे सोच के। वो थोड़े देर बाहर जा रही थी, थोड़ा ऐसे अंदर आ रही थी। और दीदी के साथ भी नहीं रह रही है, पापा के साथ भी नहीं रही है, बस वो अकेले घूमना चाहती है। इसलिए मैं इधर उधर देख रही हूँ उसको, कहीं दूर ना चला जाए ऐसे सोच के।
देखा कि नहीं जो गाइस दिया जला लिया और दुर्गा माँ का दर्शन भी हो गया। अब बस बाबी बची है, बाबी आने से हम लोग चली जाएंगी घर। हम लोग अभी वापस आ गए और आते आते देखो इसको देखो, वहाँ तो उसको ले ही नहीं पाया, दिया जलाने में इतना टाइम लग गया और अभी बहुत ही भीड़ था क्योंकि अब इतना 11 जैसा बज रहा है तो भीड़ हो चुका है। तो हम लोग ऐसे बाहर जला कर आ गए, ये तो अंदर जाके भी बहुत टाइम लगा दिया। प्रसाद दिया और उसका व्रत था तो आज खुलने के लिए मंदिर गई। हाँ खुल दिया। अभी जो वीडियो ले रही है वो है मेरी दोस्त और देखिए इधर से उधर कैमरा घुमा रही है और जाते जाते हम लोग DSLR से फ़ोटो खिंचवा कर जाएंगी और बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोटो आने वाले हैं गाइस। गाइस अभी घर पहुंच गई और बेबी खेल रही है, बेबी का दोस्त अभी आई हुई है, ये देखो ये दोनों खेल रही है और साथ में छोटा भीम भी देख रही है और मेरा ये खेल गया। कोई नहीं, मैं सुबह रोटी बना कर गई थी, वो रोटी फिर से गर्म करूँगी और आके मैं दाल बनाया, रोटी और दाल खाएंगे आज। और जाते समय तो बिल्कुल भी गर्म नहीं था और ऐसे पैदल चलते चलते बहुत ही गर्म हो गया और घर सा पहला पड़ा है क्योंकि ऐसा होता है ना कि कहीं जाने का समय बेबी को ये वाला पहनाओ नहीं ये वाला पहनाओ, ऐसे सोच सोच के निकाल देती हूँ निकालने में और बाद में अच्छे से रखने के लिए टाइम नहीं मिल जाता है। तो ऐसे फैला पड़ा है और ये देखिए सब फैला पड़ा है, ये देखो बेबी का ड्रेस सब ऐसे फैला पड़ा है। अभी बाहर धूप नहीं है, यहाँ कपड़े सुखा रही थी रात का, धूप तो नहीं दे रही है फिर भी ना बहुत गर्मी सा ऐसे लग रही है, शायद आज बारिश हो सकता है शाम को, अगर बारिश वगैरह नहीं होगा तो शाम को घूमने जाएंगी। फिर घर में ना ऐसे पूजा जैसे ही नहीं लग रहा है, आज बाहर जाकर आया ना तो पूजा पूजा ऐसे लग रहा है। और मैं जल्दी से रोटी गर्म करके दे देती हूँ बेबी को भी और मैं भी खा लेती हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज सुबह जल्दी उठकर खाना वाना बनाने लग गई है और ऐसे बिना खा के ही गया, ऐसे दिया वगैरह जलाने में कुछ खाने से अच्छा नहीं लगता इसलिए बिना खा के गया। अब ऐसे बज रहा है 1:30 जैसा, आते आते हम लोग लेट हो गया और हम लोग आते आते एक जो मेरे साथ गई थी ना बाबी उसका दोस्त था तो उसके पास DSLR था तो हम लोग उसको बुला के रास्ते में भी ऐसे फ़ोटो बहुत खिंचवाया और घर आते आते लेट हो गया। मैं खाना खाती हूँ और देखिए गाइस से है मेरा मेहंदी, कल पूरा रात को सोते सोते 1 बज गया, अरे मेहंदी में भी अच्छा रंग आया। देखिए गाइस अभी सारा काम हो गया, खाना भी हम लोग खा लिया, बेबी अभी सो रही है और मेरा जो जो काम है वो सब निपटा लिया। आज सुबह सुबह नहाया ना इसलिए बहुत अभी जैसे सर्दी होगा ऐसे लग रहा है, नाक में जैसे कि ऐसे वैसे गरम गरम भाप जैसे निकल रहा है। और बेबी अभी सो रही है, शाम को अगर बारिश नहीं लेने से हम लोग घूमने जाएंगे। हाँ गाइस मैं यहीं पर ब्लॉग एंड करती हूँ और अब सब मेरी मेहंदी को कैसे लगी कमेंट करना और स्पेशली आज जो मैंने ड्रेस पहना है ना वो पहली बार दुर्गा पूजा में ऐसे पहन कर गया और आप सबको कैसे लगा कॉमेंट करना। और अगर मेरे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा गाइस। और आज का मेरे ब्लॉग कैसे लगी कमेंट करना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।